बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शफीक रहमान और आप देख रहे हैं फूड एंड ब्लॉग स्पेशफी। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ समोसा चाट। तो मज़ेदार सी रेसिपी है, आइए देखते हैं ये कैसे बनती है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चने डालेंगे। देखें माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के चने बने हैं इसके। और इसके ऊपर इमली की चटनी, सबस पुदीने की चटनी, साथ में बंद गोभी, टमाटर, प्याज, माशाल्लाह देखें दही, और इस चाट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सी डिश कैसे तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने चने ले लिए। चनों को हमने कल भिगो दिया था। और इसके अलावा हम इनमें जो चीज़ें ऐड करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने ले लिया है, 3 से 4 सब्ज मिर्च हैं, एक छोटे साइज़ का हमने टमाटर ले लिया और बड़े साइज़ का एक हमने प्याज ले लिया। ये सारी चीज़ें जाएंगे प्रेशर कुकर में। उसके अलावा हम ऐड करेंगे दालचीनी के 2 टुकड़े हमने ले लिए हैं, तेज़पत्ता, बादियान का फूल और बड़ी इलायची 3 टुकड़े हम ऐड करेंगे, ज़ीरा, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, और उसके अलावा हल्दी भी जाएगी इसके अंदर। और इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर को बंद करेंगे तब तक चने गल जाएं। जी फ्रेंड्स, तो चने हमारे गल चुके हैं, तो अभी हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ा सा ऑयल डालकर। चनों में पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनते वक्त हम इसमें थोड़ा सारा सूखा धनिया ऐड करेंगे। अच्छे से भूनेंगे इसको। माशाल्लाह देखें, चने हमारे भून चुके हैं और अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी इसमें गर्म ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ढककर पकाएंगे 10 मिनट। जी माशाल्लाह से चने हमारे तैयार हो चुके हैं, तो इनको अभी डिश आउट कर लेंगे। जी तो चने हमने डिश आउट कर लिए हैं, उसके साथ जो हमने चीज़ें ले ली हैं, दही ले लिया है, इमली की चटनी हमने बनाई है इसके साथ, सब्ज़ पुदीने की चटनी बना ली है, और समोसे जो हैं हमने बाज़ार से लिए हैं, तो साथ में जो हमने एक लेमन ले लिया है, बंद गोभी ले ली है, टमाटर ले लिया है, प्याज, और उसके अलावा हमने ये मसाला ले लिया है जो इसके ऊपर हम लगाएंगे, ये चाट मसाला है। तो आइए डिश तैयार करते हैं। समोसे की प्लेट तैयार कर लेंगे, एक समोसा ले लेंगे और समोसे को हम तोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही
क्रिस्पी समोसा है इस तरह से, और इसके ऊपर हम डालेंगे चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चने हमने जूसी बनाए हैं। और इसके ऊपर हम डालेंगे बंद गोभी, ताकि आपको पूरा रेड़ी वाला टेस्ट आए। टमाटर, प्याज, दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्ज़ धनिए की, पुदीने की चटनी, और इमली की चटनी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सारा लेमन भी ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सारा बेज़रूरत, और जो दही हमने इसमें ऐड किया है ये ऑप्शनल है, अगर आप खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।